हेलो फ्रेंड्स, संध्या की कुकिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पंजीरी और भोग दोनों को बनाना बताऊंगी, बिल्कुल ही आसान तरीके से, जैसे कि आप आसानी से बना सकें। इसके लिए हमने एक पैन लिया है और हमने लिया है एक कटोरी धनिया, जो साबुत धनिया होती है। इसे हम पहले थोड़ी देर तक रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसमें ना ही घी डालेंगे ना ही कुछ डालेंगे, सिर्फ धनिया को हम अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कुछ गर्दा माटी ना हो, और इसमें थोड़ा इसकी लकड़ी उकड़ी होती है, सबको हमने बीन के साफ़ कर लिया है। और इसे हम भूनेंगे 2-3 मिनट तक, इसे अच्छे से पहले भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, ज़्यादा हाई पे नहीं। इसको हमें पूरा पकाना नहीं है, सिर्फ आधा कच्चा और आधा पक्का उतना ही भूनना है। देखिए, हमारी भून चुकी है धनिया। अब हम इसी पैन में लेंगे 1-1.5 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो उसे ऐसे ही सादा भी पंजीरी बना सकते हैं, मंदिरों में तो सादा ही मिलती है, लेकिन घर पे बनाए तो आप जो कुछ आपको उसमें डालना हो डाल सकते हैं। जैसे कि हमने लिया है 1 चम्मच घी, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सा मखाना और थोड़ा सा कटी हुई गरी नारियल और थोड़ी सी बादाम। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, हमारे यहाँ तो मंदिरों में अक्सर सिंपल ही मिलती है। और इसमें एक चीज़, पंजीरी बनाने में एक चीज़ आपको डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसे ज़रूर डालें, नहीं तो आपके पंजीरी बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए, मैं बताऊंगी क्या चीज़ डालना बहुत ज़रूरी होता है, उसे आप डालना ना भूलें। ये भी हमारा भून चुका है। अब हम लेंगे अपनी भुनी हुई धनिया, इसको आप खलवटे में या मिक्सी में या सिलवटे पे, जैसे भी आपको आसान लगे, आप इसे पीस लें, पीस के एक छन्नी से छान लें। हमने पीस कर और इसे छान भी लिया है, और जो हमने रोस्ट किया था अपना ड्राई फ्रूट्स, उसी में हम इसे डाल के पहले इसको मिक्स करेंगे। और आपको इसके बाद जो हमने भोग बनाया है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है लॉन्ग, आप उसे जाकर देख सकती हैं डिटेल में। इसमें हमने थोड़ा सा ही शॉर्ट में ही बताया है जल्दी जल्दी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो जाकर आप मेरे चैनल पर से देख सकती हैं। और इसमें डालेंगे हम चीनी, आप चाहे तो इसके जगह पे मिश्री को भी डाल सकती हैं, और चीनी को भी आपको अगर ऐसे नहीं पसंद हो तो आप इसे पीस कर डाल सकती हैं। चीनी पीसी हुई भी डाला जाता है, लेकिन हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने ऐसे ही खड़ी चीनी का ही यूज किया है। और चाहे तो आप मिश्री भी कूट कर डाल सकती हैं। थोड़ा सा हमने किशमिश डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा हमने लिया है 2 चम्मच किशमिश, इसे भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारी पंजीरी बन के हो गई तैयार। आप चाहे तो सिर्फ धनिया और चीनी से और 1 चम्मच घी डाल के उसको अच्छे से मिलाकर भी पंजीरी बना सकती हैं, हमारे यहाँ वैसे ही मिलता है, सब लोग वैसे ही अक्सर बनाते हैं। ये तो ड्राई फ्रूट्स डालना आपको अपनी मर्जी है, आप डालें या स्किप कर दें, आप सिंपल भी पंजीरी बना सकती हैं। और जो इसमें ज़रूरी चीज़ होती है वो है तुलसी पत्र। आप कोई भी प्रसाद बनाएं कृष्ण जी के लिए, विष्णु जी के लिए, उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। देखिए, हमारी पंजीरी बन के हो गई तैयार। वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बनाते हैं उनका दूसरा भोग वाला प्रसाद। आइए बनाते हैं जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई। इसके लिए हमने 2 चम्मच घी डाला है, इसमें 1 कटोरी सूजी डालकर इसे हम भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम 1 कटोरी बेसन डालेंगे, इसे भी फिर दोनों को एक साथ ही 2 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे 1.5 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी पानी, इसे हम मेल्ट होने तक पकाएंगे ताकि एक तार की चाशनी बन जाए। इसके बाद 1 थाली को ग्रीस करके रख लेंगे और इसमें बेसन और सूजी को डालकर हम अच्छे से जल्दी जल्दी से चलाएंगे। इसे 2-3 मिनट तक चलाने के बाद हम थाली में
ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे जल्दी जल्दी से सभी थाली में सेट कर देंगे। और इसे सूखा होने से पहले ही हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी बर्फी बनके हो गई तैयार। जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो देखिए इस तरह के बिल्कुल आसान तरीके से इसे एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं।